वेलकम दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर कितने सारे न्यूज में लिखा हुआ है, अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, केस दर्ज किया गया है। विदेश भेजने का झांसा देकर मारी ठगी, मामला दर्ज है। पहले पोलैंड का फर्जी वीजा और पुर्तगाल विदेश भेजने के नाम पर नौजवान से 9 लाख का ठगी किया, यह दैनिक भास्कर में दैनिक न्यूज में दिया हुआ है। करेंगे हिंदुस्तान का जो टीवी आर्टिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं विदेश भेजने के नाम पर 9,31,000 का ठगी किया गया है। वर्क परमिट विदेश भेजने के नाम पर 15,20,000 का ठगी किया गया, दैनिक भास्कर में न्यूज दिया हुआ देख सकते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, देख सकते रहेंगे 15 घंटा पहले का है, 19 घंटा है, 23 घंटा है, यानी कि जो भी ये बता रहे हैं कुछ टाइम पहले का ही, 14 मिनट पहले, 23 घंटा पहले का ही ये आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर सभी न्यूज में आया हुआ है। इस तरह से अगर फेक रहेगा, स्कैम रहेगा तो शायद एक दो लोग ही बनाएंगे, लेकिन आप सदस्य जो भी बड़े बड़े जो न्यूज वाले हैं सभी लोग कवर किए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया पर फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे सकते हैं पंजाब के सिंह, अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों ठगी किया गया है, विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी किया गया है। यहाँ पे आप देखते रहेंगे कब का है, यहाँ पर न्यूज में देखते रहेंगे, यहाँ पे आपका 2023 का है, 11 महीना 21 तारीख का, ये आज का ही यहाँ पर दिया हुआ देखते हैं डिटेल्स में। किसी और डिटेल्स में पढ़ते हैं आपको, जिससे कुछ जानकारी मिलेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सावधान रहिए। इसके अलावा पंजाब केसरी का नीचे आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों की ठगी केस दर्ज किया गया है। ये कहाँ का है दिखा देते हैं आपको डिटेल्स में, देखते हैं यहाँ पर जो नाम क्या है भेजा हुआ है। यहाँ पर विदेश भेजने के नाम पर 9 लाख की ठगी की गई है। आरोप के तहत जीरा निवासी अविना सिंह, यानी कि जीरा जो निवासी एक गांव का नाम रहेगा जो भी है वहाँ के हैं। ये आपका कहाँ का केस है, लुधियाना का है, जैसे देर लिखा हुआ है लुधियाना का है। अब चाहिए तो वीडियो के यहाँ पर पॉज करके पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते रहेंगे, क्योंकि एक हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ बताते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लुधियाना के निवासी ने अविनाश सिंह के साथ जान पहचान करवा कर बताया कि वह विदेश भेजने का काम करता है, जिस पर संपर्क करने पर इसने शिकायतकर्ता को सीमैन के तौर पर अमेरिका भेजने के लिए 23 लाख की मांग की। वह बातचीत पक्की होने पर अविनाश सिंह ने उसे भरोसा दिया था कि शिकायतकर्ता को 6 महीने में सीमैन लगाकर अमेरिका भेज देगा। शिकायतकर्ता के अनुसार इस पर्यंत उसने अलग अलग तरीके से 9 लाख रुपए अविनाश सिंह को अदा कर दिया था, परंतु 6 महीने बाद अविनाश सिंह ने अतिरिक्त 6 महीने लगाने की बात की। शिकायतकर्ता के फिंगरप्रिंट आदि अन्य कागज लेकर टाल मरोल करता रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2 वर्ष गुजरने के बाद भी उसने न तो उसका वीजा लगवाया, न ही उसका कोई काम ऑनलाइन कराया, कुछ देख सकते रहेंगे वीजा लगवाया, न ही कोई शिकायतकर्ता का जो भी उसका फ्रॉड किया था, इसने लिया था पैसे, उसका फोन भी नहीं उठा रहा यहाँ पे। तो आप भी इस तरह से कोई भी इस तरह से एजेंट बीच में अगर आता है तो उसे सावधान रहे। जो भी रहता है डायरेक्टर, आप विदेश जाना चाहते हैं, जो वेबसाइट अथॉरिटी रहता है, रजिस्टर्ड रहता है, ऑफिस रहते हैं, उनसे ही कॉन्टैक्ट करें। इस तरह से बीच में कोई इस तरह से आपका अमेरिका भेज दे या विदेश कोई से भी यूरोप कंट्री में भेज दे बोलते हैं लोग, तो उस तरह से स्कैम हो सकता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते रहेंगे। तो ये भी हमारे दिखाने का मकसद ये है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या इस तरह से एजेंट के चक्कर में आते हैं वो लोग ना पड़े, नहीं तो इस तरह से आपका वीजा भी लोग ले लेते हैं और आपका पासपोर्ट भी लोग जमा कर लेते हैं, जिससे बाद में आपको समस्या हो सकता रहेगा, आपका वीजा पासपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस तरह से जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो लोग पास शेयर करें जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इस तरह से जानकारी रखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।